पर दीवाना आया हुआ। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? क्या करती हूँ, आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आए हुए हैं दिल्ली रोहिणी सेक्टर 11 जापानी पार्क में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनकी भागवत कथा है। तो मैं आपको इस वक्त कॉलेज से देती हूँ। रविवार 14 अगस्त प्रातः 9 बजे से भव्य कलश यात्रा थी, जो कि कल अपलोड मैंने वीडियोस की कर दी थी, शॉर्ट वीडियो। और आज है 15 अगस्त सोमवार प्रातः 9 बजे आज है ध्वजारोहण। और मंगलवार 16 अगस्त दोपहर 2 बजे से कन्या विवाह एवं सिंगल समान समारोह है। बुधवार 17 अगस्त व गुरुवार 18 अगस्त प्रातः 9 बजे से भव्य दिव्य दरबार बिना टोकन का लगेगा। तो आप सब जिसको भी कोई भी बीमारी हो, कोई भी संकट हो, वो आ सकता है बिना टोकन के। कोई भी टोकन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये इससे बड़ा मौका आपके लिए हो ही नहीं सकता। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप यहाँ पर आइए और आपके जो भी संकट हो यहाँ पर गुरु जी से कटवाइए। फिर शुक्रवार 19 अगस्त प्रातः 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक हमारी कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव होगा भव्य। और शनिवार 20 अगस्त से 21 अगस्त तक शाम के 4 बजे से श्रीमद् भागवत कथा एवं संत सम्मान समारोह है। सेवक दल है, ये यहाँ दिल्ली व हरियाणा के हैं, वो यहाँ पर जो है ये कथा करवा रहे हैं। आप सब देख सकते हैं, ये हमारा ये जापानी पार्क है इधर, और ये रोहिणी में है दिल्ली में। तो आप सब यहाँ पर आ सकते हैं, जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ये मौका है। तो मैं हूँ गाज़ियाबाद यूपी से, तो आप तो मेरे को जानते ही हैं, जैसे कि गुप्ताज ब्लॉग पर मैं वीडियो ऐसे डालती ही रहती हूँ। कल भी मैंने कलश यात्रा की इस पर वीडियो डाली थी, तो आप सब उसे देख सकते हो। और आगे की अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए गुप्ताज ब्लॉग। और आगे की जानकारी के यहाँ पर किस तरीके से आना है, कहाँ से आना है, कौन से रूट से आना है, कौन सी मेट्रो स्टेशन पर आना है, कैसे कैसे क्या है, वो सब जो है आपको मेरे साथी ये बताएंगे।